ऐसा कंडीशन था कि मोबाइल में रिचार्ज कराने तक का पैसा नहीं था, लेकिन जब से मैं ये गेम चालू किया हूँ खेलना, जी जब से वो किया हूँ, तब से सब पूरी दिक्कतें सब खत्म हो गई हैं, अब जी जीतने लगा हूँ। दोस्तों, तो ड्रीम इलेवन से विनिंग कौन नहीं करना चाहता है, ड्रीम इलेवन से अर्निंग कौन नहीं करना चाहता है। भाई बात करें ड्रीम इलेवन में रैंक कौन लाने की, तो भाई ड्रीम इलेवन के लिए हर एक बंदा परेशान रहता है। हर एक बंदा भाई टीम बनाता है, सुबह सोचता है कि कहीं ना कहीं मैं रैंक वन ला लूंगा। भाई 49 रुपए की टीम है, अधिकतर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बहुत ज्यादा पैसा एक दिन में नहीं लगा सकते। फिर कमेंट करते हैं भाई मेरा लॉस हो गया, नुकसान हो गया, हार गया हूँ। तो अभी आपने ड्रीम इलेवन में हाल ही में विनिंग की है, मैं जानना चाहता हूँ कि ड्रीम इलेवन की वो क्या स्ट्रेटजी थी जिसके माध्यम से आपने विनिंग की है, और पूरी जानकारी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। और अगर आप लोगों ने बिना स्किप किए इस वीडियो के अंत तक देख लिया, तो ड्रीम इलेवन के अंतर्गत भाई इतनी भयंकर विनिंग करोगे ना कि आप लोग खुद खुद सोचोगे कि भाई ड्रीम इलेवन से इतनी हार्ड लेवल की विनिंग कैसे होती है। तो चैनल पर नया है तो लाइक से सब्सक्राइब आपकी जिम्मेदारी है। भाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाए ज्वाइन कर ले। वहां पे हम लोग जीएल टीम देते हैं, प्रेडिक्शन देते हैं, जिसके माध्यम से आपकी विनिंग बेहतरीन तरीके से होगी। आइए आपको ड्रीम इलेवन के विनर से मिलवाते हैं। भाई साहब का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, कब से ड्रीम इलेवन खेल रहे हैं, कितनी टीम बनाई थी, पूरी जानकारी यहाँ पे आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ बिहार के लाल से, जो दोस्तों यहाँ पे मधुबनी से बिलोंग करते हैं, मधुबनी के रहने वाले हैं, नाम है रमेश कुमार जी। रमेश जी आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए कि ड्रीम इलेवन खेलते हुए कितना साल हो गया और कहाँ से इसके बारे में पता लगा था। मुझे खेलते हुए 4 साल हो गया है। जी मेरा एक दोस्त है, जी शुभम उपाध्याय है, जी उसी के द्वारा मैं जी हो गया। यानी कि उसी से माध्यम से जानकारी हाँ लगी है कि ड्रीम हाँ इलेवन खेलिए वहां पैसे मिलते हैं। हाँ तो जैसे कि यार आप लोग देख सकते हो, कहीं ना कहीं जानकारी किसी न किसी के थ्रू मिलती है। कोई कोई लोग YouTube में ऐड देख के सीखते हैं, आपने अपने दोस्त के माध्यम से सीखा। तो मैं जानना चाहता हूं कि ड्रीम इलेवन के अंतर्गत जब आपने विनिंग स्टार्ट की, तो स्टार्टिंग के फेज में क्या आपने सिर्फ विनिंग करना चालू कर दिए थे कि कुछ पैसे भी स्टार्टिंग में हारे थे? क्योंकि अधिकतर लोग जो लोग शुरुआती तौर पर हैं आते हैं, उम्मीद तो बहुत रहती है लेकिन हार जाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं रहती है। तो आपने स्टार्टिंग में कितना लॉस किया था और कब आपने विनिंग करना चालू कर दिया था? लगभग 6 महीने तक मेरा पैसा मैं हारा हूँ, जी ठीक है। जी उसके बाद फिर मैं अपना जी जीतना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में लॉस फेल करता, चाहे वो दोस्तों प्रो लेवल का हो चाहे बिगनर हो, क्योंकि भाई ड्रीम इलेवन ऐसा गेम है कि यहाँ पे कई सारे लोग इस चीज के लिए कमेंट भी करते रहते हैं भाई ड्रीम इलेवन फेक है, सट्टा है, जुआ है, क्योंकि गांव तरफ लोगों की ही मान्यता होती है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं आज भी ड्रीम इलेवन से 1 CR विन करने वाले लोग बैठे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से ड्रीम इलेवन में अर्निंग यहाँ पे होती है। अच्छा यहाँ पे रमेश जी मेरा क्वेश्चन है, ड्रीम इलेवन के अंतर्गत जितने लोग यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका मानना है कि एक दिन में कितनी टीम बनाना चाहिए कि हम लोग विनिंग जोन में जा पाए? क्योंकि कई कई लोग सोचते हैं कि दिन के 20 टीम बना देंगे। भाई टीम बनाने पैसा लगता है, एक टीम में 50 रुपये लगता है, 20 टीम में कितना लगेगा? तो क्या 20 टीम बनाना इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2-4 टीम से भी विनिंग होती है, बस जानकारी होनी चाहिए? आपका क्या मानना है? देखिए, जिस हिसाब से जिसके पास बैलेंस है, पैसा है, उस हिसाब से वो करें। जी हाँ, बना सके तो भाई 4 भी बना सकते हैं, 12 भी बना सकते हैं, जी जिस हिसाब से जिसके बजट हो उस हिसाब से करना चाहिए। जी तो रमेश जी मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि आप अभी फिलहाल दिन की कितनी टीम बनाते हैं ड्रीम इलेवन में, और जिस दिन आपने विनिंग की थी उस दिन आपने कितनी टीम बनाई थी? देखिए, 12 से 15 हो जाता है, जी 13 हो जाता है, 11 हो जाता है। जी हाँ यानी कि मतलब 10 के ऊपर ही आप टीम हाँ बनाते दस हैं, के इसके ऊपर पीछे का मेन रीजन क्या है? ज्यादा से ज्यादा टीम बनाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा जीतने की संभावना रहेगी। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इनकी इस बात से मैं वाकिफ हूँ भाई, इनकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ। मैं भी अपने व्यूवर्स को ही समझाता रहता हूँ कि भाई अगर ज्यादा ज्यादा टीम बनाओगे तो विनिंग करने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। बाबू अगर आप लोग ड्रीम इलेवन में विनिंग करना चाहते हो ना, तो अगर मल्टीपल टीम पे काम करोगे ना, मल्टीपल टीम पे वर्क करोगे, तो ड्रीम इलेवन के अंदर आपको विनिंग करने से कोई माई कदर रोक नहीं सकता है। लेकिन एक टीम बनाओगे, सो जाओगे, सोचोगे कि सुबह खाता में 1 करोड़ आ जाए, भाई ऐसे नहीं होता है। ड्रीम इलेवन लक का नहीं, किस्मत का नहीं, साइंस का गेम है यार। अच्छा यहाँ पे रमेश जी मेरा एक क्वेश्चन निकल के आता है, अधिकतर लोग ड्रीम इलेवन में आते हैं वो सोचते हैं कि भाई बैट्समैन को ले लेते हैं सिर्फ टीम में। तो हर हर कॉन्टेस्ट में जब ये लोग टीम बनाते हैं सोचते हैं बैट्समैन को ले लेते हैं, तो क्या सिर्फ बैट्समैन ही चलता है क्रिकेट में? भाई बॉलर भी चलता है, ऑलराउंडर भी चलता है। तो आपका देखिए, क्या मानना है, प्लेयर में कैसे सिलेक्शन करना चाहिए, प्लेयर को सिलेक्ट करने की सही स्ट्रेटजी क्या है? क्रिकेट में कोई निश्चित नहीं है, सब चलते हैं, सबके वहां आवश्यकता होती है। हाँ, इसमें कोई वो नहीं है, अच्छा से अच्छा होना चाहिए। उसी में जो कोई भी चल भी जाता है, कोई नहीं चलता है, कोई इसमें निश्चित नहीं कि ये है तो ये चलेंगे।
हाँ, तो जो जितना भी हो सके अच्छा से अच्छा वो करना चाहिए जी, क्योंकि भाई हमने ये चीज देख रखी है, कभी कभी विराट कोहली रोहित शर्मा भी जीरो पे आउट हो जाते हैं, कहीं और पांच रन बनाते हैं तो कहीं पांच छक्का मारते हैं जी, हाँ, जी, तो कोई निश्चित नहीं रहता, निश्चित नहीं रहता है। बॉलर में मोहम्मद शमी देख लीजिए, कभी कभी परफॉर्म नहीं करते, कभी कभी 7 विकेट इकट्ठा ले लेते हैं। तो भाई ड्रीम इलेवन के अंतर्गत आप लोग जानते हैं मैच एक ऐसी चीज होती है ना भाई, मैच क्रिकेट इसमें क्या होता है भाई, आप लोग कुछ भी कंफर्म नहीं रहता है, तो आपको जी तो यहाँ पे एक चीजें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखिए मैं तो जहां तक मैं जानता हूँ पिच कंडीशन को ध्यान में रखना चाहिए, अगर पिच बॉलिंग को सपोर्ट करती है तो बॉलर को टीम में रखिए, और अगर पिच बैटिंग सपोर्ट करती है तो बैट्समैन को पिच बोर्स में रखिए। तो आपका क्या वो सीक्रेट स्ट्रेटजी है रमेश जी, जिसके माध्यम से आपने ड्रीम इलेवन में आज इतने बड़े लेवल की अर्निंग की, तो कैसे आपने उस दिन टीम क्रिएट किया था, कौन कौन से चीज को ध्यान में रखा? बैटिंग को वो था जो जी, जी, तो उसमें मैं पिच का देखते हुए पिच का है हाँ इस तरह देखते हुए मैं अच्छे अच्छे बैट्समैनों को कर लिया था, जैसे धोनी है विराट है इसी तरह के अन्य जो है सब इसी तरह करके मैं उस दिन वो किया था जी। तो उस दिन आपने ड्रीम इलेवन में बैट्समैन को एडवांटेज दिया था। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कभी कभी भाई जाहिर सी बात है बैट्समैन ओरिएंटेड टीम रहती है तो बैट्समैन की परफॉर्मेंस काफी नेक्स्ट लेवल से रहती है। अच्छा यहाँ पे कई सारे लोग सोचते हैं कि भाई बैट्समैन को तो अपने टीम में ले लिया, बॉलर को ले लिया, ऑलराउंडर को ले लिया, विकेट कीपर का क्या, क्या विकेट कीपर परफॉर्म नहीं करता है, क्या विकेट कीपर रन नहीं दिलाता है, तो विकेट कीपर को कितना तक महत्व देना चाहिए, आपका क्या मानना है? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भाई बिहार की शान है, इन लोगों ने ड्रीम इलेवन के अंतर्गत बिहार के भाई गांव में इन्होंने अपना पूरा धमाल मचा दिया है। ड्रीम इलेवन के अंतर्गत भाई इस लेवल की विनिंग, इस लेवल की अर्निंग हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ड्रीम इलेवन के अंतर्गत इन सभी चीजों का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अच्छा मैं चाहता हूं कि आप एक कुछ स्ट्रेटजी जो अपनी सीक्रेट से आप लगातार विनिंग कर रहे हैं, आप थोड़ा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो क्या सीक्रेट था जिसके माध्यम से आपने इस मुकाम को हासिल कर लिया। पहले ये स्थिति थी कि बजट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, पेट्रोल का भी पैसा नहीं हो पा रहा था, लेकिन किसी भी तरह से वो करके बचा बचा के इधर उधर करके उस समय से मैं इतना वो किया हूँ, इतना परिश्रम वो करके वो किया हूँ कि इस समय मेरे पास अब सब कुछ है, गाड़ी भी है, सब पूरा व्यवस्था सब हो गया है, अब दिक्कत सब खत्म हो गई है, उस समय नहीं हो पा रहा था। ऐसा कंडीशन था कि मोबाइल में रिचार्ज कराने तक का पैसा नहीं था, लेकिन जब से मैं ये गेम चालू किया हूँ खेलना, जब से वो किया हूँ तब से सब पूरी दिक्कतें सब खत्म हो गई हैं, अब जीतने लगा हूँ, बैलेंस आने लगा है। तो यानी कि ये सब चीजें होने में लगभग 2-2.5 साल आपका लगभग है ना? हाँ जी। तो आप लोग भाई देख सकते हैं मेहनत और परिश्रम, कठिन परिश्रम से हर बंदा अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर कर सकता है और सब की विनिंग होती है भाई। जीता जाता सबूत आपके सामने बैठा है और हम तो भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे कि आप एक बार फिर से ड्रीम इलेवन में रैंक वन लाइए, फिर आप हम इंटरव्यू शूट करने आए। और अगर आप लोग भी विनिंग करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को जुड़े, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि जो जानकारी उन्होंने हमसे शेयर की है वो अपने आप में बहुत यूनिक है, काफी भाई बेस्ट लेवल की रही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। एक बार रमेश जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।